दोस्तों काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ऑनलाइन फॉर्म का डेट आगे बढ़ा दिया गया है, यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जिसको बोलते हैं BHU, उसका ऑनलाइन जो फॉर्म का डेट था खत्म हो गया था, लेकिन फिर से बढ़ा दिया गया है, यानी आखिरी डेट एक्सटेंड कर दी गई, लास्ट डेट फॉर फॉर्म फिलिंग हैज बीन एक्सटेंडेड, फॉर्म का डेट आगे बढ़ गया है। तो कब तक बढ़ा है इस वीडियो में जानेंगे, किन किन कोर्सेज का बढ़ा है वो इस वीडियो में जानेंगे, और इसके साथ साथ UGPG स्कूल का क्या अपडेट है वो भी जानेंगे। तो पहले UGPG स्कूल का अपडेट जान लेते हैं, उसके बाद आपको लास्ट डेट फॉर्म भरने का बता देता हूं। यूजी का अपडेट ये है कि CUET के एग्जाम अभी हो ही रहे हैं, पूरे महीने अगस्त में CUET के एग्जाम होने हैं, उसके बाद सितंबर में काउंसलिंग रिजल्ट आंसर की सब आने वाला है। तो यूजी का एडमिशन BHU में अभी लेट से होने वाला है, पीजी का अभी CUET का जस्ट सितंबर में डेट आया है एग्जामिनेशंस का, लेकिन जब एग्जाम होगा तब पता चलेगा कि कब तक लास्ट एग्जाम होगा, क्योंकि NTA जो एग्जाम ले रही है वो कैंसिल हो जा रहा है, बहुत सारे बच्चों में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, उससे क्या हो रहा है फ्रेश डेट एंट्रेंस टेस्ट का मिल रहा है। तो अभी पीजी के होना बाकी है, तो सितंबर 15 तक तो ये टेस्ट ही होगा, उसके बाद कब तक होगा नहीं होगा एडमिशन दाखिला वो सारे अक्टूबर में जाएगा पीजी का। तो यूजी का सितंबर अक्टूबर, पीजी का अक्टूबर नवंबर तक जा सकता है। स्कूल का अपडेट ये है कि स्कूल का जो लॉटरी वाले एडमिशन से हो चुके हैं, जिनका मार्कशीट की जरूरत थी किसकी, क्लास 11th में एडमिशन की, क्योंकि 10वीं के मार्क्स के बेसिस पे ही 11th में एडमिशन होगा यानी इंटरमीडिएट में। तो स्कूल का भी अभी मार्कशीट अपलोड हुए हैं और उनका मतलब स्कूल का मोटा मोटी चीजें ऑन टाइम हो रही है, सिर्फ रिजल्ट 10वीं का लेट आया उसकी वजह से इसमें थोड़ा सा देरी है। अब चलते हैं BHU की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पे एडमिशन का पूरा डिटेल आता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पास दो वेबसाइट है, एक BHU.ac है, एक BHU.online.in है। तो online.in पे ही सारा एडमिशन का प्रोसेस, देखिए स्कूल का जो प्रोसीजर है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। 10वीं का मार्कशीट 15 अगस्त तक अपलोड करने थे, अब जो अपलोड हो गया है तब कट ऑफ तैयार होगा। कट ऑफ तैयार करने के बाद देखिए यहाँ कट ऑफ लिस्ट 11th का यहाँ पे देखिए जारी हो गया है। तो जिनको जिनको कट ऑफ लिस्ट में कट ऑफ अच्छा हुआ है उनका बेटर है, अच्छी बात है, जिनका अभी थोड़ा सा बाकी है वो थोड़ा इंतजार करें, बाकी 11th का ही में थोड़ा सा देरी है, बाकी सबका हो चुका है, यानी 6th का, 9th का, 1st का, नर्सरी का, सबका प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ क्लास 11th का बाकी है। अब बात करते हैं डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसमें क्या है कि अभी ये देख रहे हैं 11-8 तक ये आंसर की का चैलेंज का ऑप्शंस था, तो आंसर की चैलेंज होगा फिर फाइनल लिस्ट आएगा, उसके बाद इसमें फ्री कोचिंग UPSC के लिए शुरू हुआ इस साल से, इसमें शुरुआत हो रही है सिर्फ शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स के लिए। अब बात करते हैं यूजी का, बता दिया कि CUET के एग्जाम चल रहे हैं, पीजी का भी CUET के एग्जाम के थ्रू हो रहा है, यानी अक्टूबर सितंबर में आगे बढ़ने वाला है। डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स में डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है, तो यहां पे देखिए इसको थोड़ा सा मैं आपको जूम करके कोशिश करता हूं दिखाने के लिए, यहां डेट हैज बीन एक्सटेंडेड अप टू 31st अगस्त, यानी डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज में डेट हैज बीन एक्सटेंडेड अप टू 31st अगस्त, पूरे अगस्त महीना में है। अब देख लेते हैं कि कैसे अप्लाई करेंगे, तो जैसे आप यहां क्लिक हियर टू अप्लाई पे यहां देखिए यहां पे क्लिक करेंगे ये ऐसा इंटरफेस खुलेगा, आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करके साइन इन करेंगे, फॉर्म अप्लाई करेंगे, आपका कंप्लीट प्रोसीजर हो जाएगा। उसके बाद कितने कोर्सेज हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, ये देखिए ये है प्रोस्पेक्टस स्पेशल कोर्स ऑफ स्टडीज का, इसमें बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं। सेक्शन ए देखिए यहां पे नेम ऑफ द कोर्स है, सीरियल नंबर है, कोर्स कोड है, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, लोकेशन है, नंबर ऑफ सीट्स है, फीस है। टोटल ये कोर्स देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज है, प्रोफेशनल कोर्सेज है, 2 महीने से लेकर 2 साल तक का कोर्स है, जो मर्जी आए वो कीजिए, बहुत सारे कोर्सेज में डायरेक्ट एडमिशन है बिना टेस्ट का, तो बहुत अच्छी बात है, इसमें आप अप्लाई कर लीजिए। शॉर्ट टर्म कोर्सेज के लिए आजकल बहुत ज्यादा लॉन्ग कोई पढ़ नहीं रहा है, क्योंकि नौकरी का बहुत मारामारी है, तो कम समय में कुछ ना कुछ नौकरी पकड़ के या कुछ अच्छा करना चाहते हैं। यूट्यूबर्स तो बिना पढ़े हुए भी बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं, तो यूट्यूब के लिए भी, वेब डिजाइनिंग के लिए भी बहुत सारे कोर्सेज है, टोटल 69 कोर्सेज है बहुत सारे। यहाँ देखिए 6 मंथ्स कोर्स इन डिज़ाइन इनोवेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, वेब डेवलपमेंट है, बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज है जिससे आपकी करियर बन सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये 31 अगस्त तक जो फॉर्म का डेट बढ़ा है वो आप फायदा उठाएंगे और ये जो 69 कोर्सेज है इसमें अप्लाई कर लेंगे। बाकी UGPG का अपडेट बता दिया है, क्योंकि CUET के एग्जाम पर निर्भर करता है, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में स्कूल का अपडेट भी बता दिया कि लगभग एडमिशन होने ही वाला है, सिर्फ 11th का बचा हुआ है, वो भी हो जाएगा कुछ महीनों में। वीडियो कैसी लगी बताइएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों यारों को शेयर करके बताइएगा कि फॉर्म का डेट आगे बढ़ा है तो इसका फायदा उठा ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय BHU।